हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एलआरडीआई पजल। कल ही मैंने पोस्ट किया था ये सेट और काफ़ी अच्छे लेवल का सेट है। बहुत चीज़ें थी जो इसमें ध्यान रखने वाली थी। बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने सॉल्व भी किया है कि चांसेज आर वेरी हाई उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स थे इसमें मिस कर दिए होंगे। पूरी पूरी प्रॉबेबिलिटी है उसकी कि उन्होंने वो पॉइंट्स मिस किए होंगे। वो कौन से पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रख के चलना था, तुमने वो पॉइंट्स को मिस भी किया, देन चांसेस हैं कि तुम्हारे आंसर सही आ गए हों। बट एग्ज़ाम कंडीशंस में वो वाले पॉइंट्स तुम खुद से ही निगेट नहीं कर सकते, तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स को चेक करके चलना था। सो वो पॉइंट्स क्या क्या थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का पजल। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द स्टेटमेंट गिवन वॉज सिक्स बॉयज, दैट इज़ वन रॉबिन, विरेन, आकाश, हर्ष एंड कमल आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, हाइट एंड एज। कुछ पैरामीटर्स दे दिए उसने कि वेट, हाइट एंड एज जो है हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं। सिक्स बॉयज आर मैंशन, जो सिक्स बॉयज प्रेजेंट है उनको इन पैरामीटर्स के ऊपर रैंकिंग करी जाएगी। सच दैट द हैवीएस्ट पर्सन आर रैंक्ड वन एंड द लाइटेस्ट इज रैंक्ड सिक्स। तो जो हैवीएस्ट पर्सन होगा दैट विल बी रैंक्ड वन एंड द लाइटेस्ट विल बी रैंक्ड सिक्स। द टॉलेस्ट इज रैंक्ड वन एंड द शॉर्टेस्ट इज रैंक्ड सिक्स। जो सबसे टॉल होगा दैट विल बी रैंक्ड वन एंड जो शॉर्ट होगा दैट विल बी रैंक्ड सिक्स। एंड द ओल्डेस्ट इज रैंक्ड वन एंड द यंगेस्ट इज रैंक्ड सिक्स। सिमिलरली उसी तरह से कुछ पैटर्न दे दिया, द रैंक वन इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट रैंक एंड द रैंक सिक्स एज द लोएस्ट रैंक। अब कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ पे हमें हाइएस्ट और लोएस्ट क्या लेना है, तो अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते देन इट वॉज मैंशनड हेयर ओनली दैट इज द रैंक वन इज कंसिडर एज द हाइएस्ट रैंक एंड द रैंक सिक्स इज कंसिडर टू बी द लोएस्ट रैंक। फर्दर इट इज़ नोन दैट नाउ सम कंडीशन आर मैंशन फॉर अस। कुछ और पॉइंट्स हमारे पास दिए, इसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए था वो चेक कर लेते हैं। अभी तक आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो और जो क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं उन्होंने ये बात तो समझ ली होगी कि जब जब हमारे पास रैंक्स के बारे में कुछ भी मैंशन होगा देन विल ऑलवेज ट्राई टू यूज़ रैंक्स इन द फर्स्ट कॉलम। उनको रैंक्स को हम फर्स्ट कॉलम में यूज़ करने का ट्राई करेंगे। उसका रीज़न क्या है मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि रैंक्स जैसी चीज़, जैसे अगर कुछ ऑर्डर मैंशन हो तुम्हारे पास, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ ऑर्डर प्रेजेंट है, मंथ्स के नेम्स प्रेजेंट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसी तरह से तुम्हारे पास एक सिमेट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। जो सिमेट्री का फॉर्मेशन होता है उससे तुम्हारा जो टेबल का फॉर्मेशन होने वाला है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दैट इज़ वाई विल प्रेफर कि जो रैंक्स हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में पुट करें। सो इट मीन्स दैट अगर हम फर्स्ट कॉलम में रैंक्स को लेंगे तो उसके बाद हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ वेट, हाइट एंड एज, तो उनको हमें प्रोसीड करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स फॉर्म अ टेबल। टेबल बनाते हैं देन प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से आगे इसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए। नाउ वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स। हमारे पास सिक्स डिफरेंट पर्सन थे तो सिक्स डिफरेंट रैंकिंग्स भी थी। अब हमारे पास तीन पैरामीटर्स थे तो हम तीन और कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आएगा फर्स्ट पैरामीटर, दैट विल बी वेट, यहाँ पे आ जाएगा वेट। देन सेकंड में आ जाएगा हमारे पास हाइट एंड थर्ड में हमारे पास आ जाएगा एज। तो हमारे पास जो तीन पैरामीटर थे हमने कवर कर दिए। तो टेबल का पूरा फॉर्मेशन कर दो कि किस तरह से जो टेबल था उसकी जो फंक्शनिंग थी वो होनी चाहिए थी। ये हमारा टेबल का फॉर्मेशन हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर दिए। वेट, हाइट एंड एज जो थे हमने सबसे ऊपर मेंशन कर दिए। नाउ अब हम कंडीशंस को वन बाय वन रीड करेंगे। अब उसके लिए क्या फंक्शनिंग होती है कंडीशंस के लिए, जो बेसिक सी चीज़ है जो अब तक हमने सीखा है कि जब जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस की पॉसिबिलिटी आ रही होगी सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को हम फाइंड आउट करें। एक स्पेसिफिक कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे देन उसको लिंक करने का ट्राई करेंगे किसी और स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। तो इसी तरह से जो होगी हमारी फंक्शनिंग होगी। चेक द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेज ओनली फॉर सुमन द रैंक्स ऑन द थ्री पैरामीटर्स आर कंजेक्टिव इंटीजर्स ओनली फॉर सुमन। सो सिर्फ सुमन के लिए ऐसा होगा कि उसके तीनों पैरामीटर्स में जो रैंक्स होंगे दैट विल बी कंजेक्टिव इंटीजर्स। सो इट मीन्स दैट अगर कहीं पे उसका रैंक वन आया तो किसी और में दो रैंक आएगा और किसी थर्ड में थ्री रैंक आएगा। सो दैट विल बी द पॉसिबिलिटी एंड दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर सुमन। सो इज दिस अ स्पेसिफिक कंडीशन और अ वेरिएबल कंडीशन। क्लियर सी बात है, वेरिएबल कंडीशन है, समझ में आ रहा है इजिली कि इसके लिए मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दैट इज अ वेरिएबल कंडीशन। नाउ इसको भी यहीं पर लीव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट टू, सुमन इज हैवियर देन बोथ विरेन एंड कमल। इफ इट इज मैंशन दैट सुमन इज हैवियर देन बोथ विरेन एंड कमल, सो इट मीन्स दैट क्या सुमन यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पर प्रेजेंट हो सकती है? अगर सुमन यहाँ पे होगी देन विरेन एंड कमल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन बची। सो इट मीन्स दैट एटलीस्ट वो फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए सुमन को। सो सुमन कैन नॉट बी प्रेजेंट हेयर। सुमन जो होगी वो फिफ्थ पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं हो सकती। सुमन कैन नॉट बी प्रेजेंट हेयर एज वेल।
वो सिक्स पोजीशन पे भी प्रेजेंट नहीं हो सकती बिकॉज वीरेन एंड कमल जो होंगे उससे नीचे कहीं प्रेजेंट होंगे. द रैंक ऑफ सुमन ऑन एज वॉज लोअर देन दैट ऑफ रॉबिन ऑन हाइट. अब इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो चेक करते हैं. द रैंक ऑफ सुमन ऑन एज वॉज लोअर देन दैट ऑफ रॉबिन ऑन हाइट. लोअर मतलब यहाँ पे हमारे पास मेंशन दिया था ना रैंक सिक्स एज द लोएस्ट रैंक. सो इट मीन दैट अगर लो के बारे में बात कर रहा है तो हमें रैंक सिक्स की तरफ मूव करना है. द रैंक ऑफ सुमन ऑन एज वॉज लोअर देन दैट ऑफ रॉबिन ऑन हाइट. सो इट मीन दैट क्या रॉबिन जो होगा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. उसने बोला कि सुमन का जो एज में रैंक है वो रॉबिन के हाइट वाले रैंक से नीचे कहीं प्रेजेंट है. सो अगर रॉबिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा तो सुमन जो होगी वो इससे नीचे कहीं प्रेजेंट होनी चाहिए विच विल नॉट बी पॉसिबल. सो दैट इज वाई रॉबिन कैन नॉट बी प्रेजेंट हियर. सिमिलरली जो सुमन होगी द रैंक ऑफ सुमन ऑन एज वॉज लोअर देन दैट ऑफ रॉबिन ऑन हाइट. सो इट मीन दैट क्या सुमन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है. क्या सुमन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है. नो यहाँ पे सुमन जो होगी वो प्रेजेंट नहीं हो सकती बिकॉज जहाँ पे अगर रॉबिन होगा हाइट वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हाइट के लिए रॉबिन के लिए फर्स्ट है. तो इट मीन दैट सुमन को फर्स्ट पे उससे नीचे ही कहीं प्रेजेंट होना होगा. वो फर्स्ट पे प्रेजेंट नहीं हो सकती. सो दैट इज़ वाई दिस केस विल ऑल्सो बी इलिमिनेटेड. हमने इसको कर लिया है यूज़. अभी तक हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आई है तो कोई भी कंडीशन को यूज़ नहीं कर पा रहे. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. जब भी हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिखेगी देन वी विल ट्राई टू यूज़ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. थर्ड पॉइंट. रॉबिन इज़ नाइदर द ओल्डेस्ट नॉर द यंगेस्ट. ओल्डेस्ट भी नहीं और यंगेस्ट भी नहीं. सो इट मीन दैट रॉबिन इज़ नॉट प्रेजेंट हियर. रॉबिन इज़ नॉट प्रेजेंट हियर एज वेल. रॉबिन जो होगा वो लास्ट में भी प्रेजेंट नहीं होगा. ही इज़ ऑल्सो नाइदर द हैवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट. सो इट मीन दैट रॉबिन जो होगा हैवीएस्ट भी नहीं है यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा और लाइटेस्ट भी नहीं है. सो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा. ना थर्ड पॉइंट भी हमने कर लिया यूज़. फोर्थ पॉइंट में मूव करते हैं. देयर इज़ नो पेयर ऑफ पर्सन आउट ऑफ द सेक्स इन विच वन इज़ रैंक्ड हायर देन अदर ऑन ऑल द पैरामीटर्स. अब इसका क्या मतलब है. इस फोर्थ पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा तीनों के तीनों पैरामीटर्स में किसी और पर्सन से ऊपर प्रेजेंट हो. तो ऐसा कोई भी पर्सन जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा. तो कम से कम एक बार उसको दूसरे पर्सन के नीचे भी आना होगा. तीनों टाइम्स वो किसी और पर्सन से ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता. दैट वॉज द सिग्निफिकेंस फॉर द फोर्थ पॉइंट. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. कमल इज द ओनली पर्सन हुज सम ऑफ रैंक्स ऑन द थ्री पैरामीटर्स द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे एक जो चीज़ थी स्टूडेंट्स ने बहुत चांसेस हाई हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी होगी. अब यहाँ पे कमल इज़ द ओनली पर्सन हुज सम ऑफ रैंक्स ऑन थ्री पैरामीटर्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल थी. तो मिनिमम जो वैल्यू थी दैट विल बी कमल के लिए क्या हो सकती मिनिमम वैल्यू 1+1+1. यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू थी वो 3 होगी. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करी है स्टूडेंट्स ने वो ये गलती करी है कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो सारे के सारे पर्सन्स प्रेजेंट हैं उनकी जो रैंकिंग्स होंगी अलग अलग पैरामीटर्स में वो डिफरेंट होंगी. दैट वॉज नॉट मैंशनड एनी वेयर इन दिस पर्टिकुलर पजल. कहीं पे भी वो चीज़ मैंशन नहीं थी. तो तुम खुद से उसको अज्यूम नहीं कर सकते कि उनके जो रैंक्स होंगे डिफरेंट पैरामीटर्स में वो डिफरेंट होंगे. तो वो सेम भी प्रेजेंट हो सकते थे. तो जो मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास कमल के लिए दैट विल बी इक्वल टू 3 और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी 6+6+6. सो दैट विल बी इक्वल टू 18. तो मैक्सिमम वैल्यू थी 18 और मिनिमम वैल्यू थी 3. अब 3 to 18 के बीच में कौन कौन से स्केयर्स हमारे पास प्रेजेंट थे. एक तो 4 प्रेजेंट था, एक हमारे पास 9 प्रेजेंट था और एक हमारे पास 16 प्रेजेंट था. तो तीन पॉसिबिलिटीज़ थी कमल के लिए. तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती थी. 4 भी आ सकता, 9 भी आ सकता, 16 भी आ सकता था. सो दैट वाज पॉसिबल. तो तीनों केसेस को लेके चलना था हमें. एक केस लेके नहीं चल सकते थे कि उनका जो होगा सारे के सारे पैरामीटर्स में डिफरेंट रैंक्स होंगे. वैसा केस नहीं था. ओके सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. रॉबिन्स हाईएस्ट रैंक इज ऑन एज एंड द लोएस्ट रैंक इज ऑन वेट. रॉबिन का जो हाईएस्ट रैंक होगा वो एज में होगा. एज में उसका हाईएस्ट रैंक होगा और वेट में उसका लोएस्ट रैंक होगा. सो इट मीन्स दैट हाइट में जो उसका रैंक होगा दैट विल बी इन बिटवीन. और इसका ये भी मतलब है कि उनके जो रैंकिंग्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट. उनका जो रैंक होगा वो डिफरेंट होगा तीनों में. अब इससे आगे किस तरह से प्रोसीड करें. अब रॉबिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता. सो इट मीन दैट वेट के लिए जो मिनिमम पोजीशन है वो 5 है. अगर वेट के लिए हमारे पास मिनिमम पोजीशन 5 है, अब रॉबिन के लिए चेक करते हैं क्या रॉबिन इस पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता था. क्या रॉबिन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. चलो फोर्थ पे चेक कर लेते पहले. क्या रॉबिन यहाँ पे हो सकता है. अगर किसी को डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा. अगर रॉबिन यहाँ पे होता तो रॉबिन यहाँ पे होना चाहिए था और रॉबिन यहाँ पे होना चाहिए था. बट रॉबिन इज़ नॉट पॉसिबल है. सो ये तो पॉसिबल नहीं था हमारे पास. क्या रॉबिन थर्ड पॉइंट पे हो सकता है. यहाँ पे रॉबिन हो सकता है. अगर रॉबिन यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी रॉबिन को आना होगा. यहाँ पे रॉबिन हो जाएगा, यहाँ पे रॉबिन हो जाएगा. तो रॉबिन को यहाँ पे भी होना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि यहाँ पे दिया था हमारे पास ओनली फॉर सुमन द रैंक्स ऑन द थ्री पैरामीटर्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. अब यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव हो गए 3, 4 and 5. सो दैट मीन्स ये जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी. सो इट मीन्स दैट रॉबिन के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, दैट इज दिस वन. तो रॉबिन होगा यहाँ पे.
अब रॉबिन और रॉबिन यहाँ पे कंजेक्टिव ऑर्डर में नहीं हो सकते थे, तो रॉबिन के लिए जो मिनिमम पोजीशन थी हमारे पास 4 और 5 थी। अगर रॉबिन यहाँ पे होगा, अगर रॉबिन वेट कॉलम में फोर्थ रैंकिंग पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हाइट में यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, वह फिर से कंजेक्टिव हो जाएंगे। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल। सो इट मीन्स दैट रॉबिन के लिए जो एक ही जगह बचेगी दैट विल बी दिस वन। रॉबिन जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब हाइट कॉलम में रॉबिन थर्ड पे भी प्रेजेंट हो सकता है, फोर्थ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, बोथ द कंडीशंस आर पॉसिबल फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, देख लेंगे बाद में कि हम उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं। ऑन द एज पैरामीटर, आकाश हुज रैंक इज नॉट द लोएस्ट ऑन एनी ऑफ द थ्री पैरामीटर्स इज द ओनली पर्सन रैंक बिटवीन रॉबिन एंड हर्ष। नाउ आकाश हुज रैंक इज नॉट लोएस्ट ऑन एनी ऑफ द थ्री पैरामीटर्स, सो इट मीन्स दैट आकाश जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, आकाश जो होगा वो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा, और आकाश जो होगा यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो तीनों जो कंडीशन थी वो आकाश के लिए पॉसिबल नहीं थी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में दिया है, आकाश हुज रैंक इज नॉट लोएस्ट ऑन एनी ऑफ द थ्री पैरामीटर इज द ओनली पर्सन रैंक्ड बिटवीन रॉबिन एंड हर्ष। रॉबिन और हर्ष के बीच में आकाश इज द ओनली पर्सन। अब रॉबिन यहाँ पे है, तो इट मीन्स दैट जो आकाश होगा दैट शुड बी प्रेजेंट हियर। आकाश जो होगा ऊपर तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, तो आकाश जो होगा यहीं पे प्रेजेंट होगा, देन हर्ष विल बी प्रेजेंट। अब रॉबिन के लिए जो हमारा जो पॉइंट था ये वाला कि रॉबिन यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, अब इसको किसी और कंडीशन के साथ लिंक करने का ट्राई करते हैं कि हमारी जो कंडीशन थी वो रॉबिन के साथ फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज मेंशन थी, दैट इज द रैंक ऑफ सुमन ऑन एज वॉज लोअर देन दैट ऑफ रॉबिन ऑन हाइट। अब रॉबिन का हाइट में जो रैंक होगा, सुमन का एज में जो रैंक होगा उससे नीचे होगा। सो रॉबिन या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दो पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। सो इट मीन्स दैट जो सुमन होगी वो उसको कहीं हर्ष के नीचे प्रेजेंट होना होगा। सुमन यहाँ पे भी हो सकती है और सुमन यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों कंडीशन पॉसिबल थी अभी तक। इससे आगे कैसे बढ़े सुमन के लिए अगर हम लिंक कर रहे हैं, तो सुमन के लिए एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे द सुमन, और सेकंड पॉइंट में सुमन इज हैवियर देन बोथ वीरेन एंड कमल। सो इट मीन्स दैट सुमन होगी, सुमन के नीचे वीरेन एंड कमल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए थे। सो इट मीन्स दैट टू प्लेसेस में वीरेन एंड कमल आएंगे। तो क्या सुमन फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? अगर सुमन यहाँ पे प्रेजेंट होगी देन वीरेन एंड कमल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बची, विच विल नॉट बी पॉसिबल। सो इट मीन्स दैट सुमन के लिए जो एटलीस्ट प्लेस होगी दैट विल बी दिस वन, थर्ड पोजीशन पे हो सकती है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन फोर्थ पॉइंट। तो सुमन फोर्थ पे तो प्रेजेंट नहीं हो सकती, सुमन थर्ड पे प्रेजेंट हो सकती है। अगर सुमन थर्ड पे प्रेजेंट हो सकती है यहाँ पे, और सुमन को कंजेक्टिव ऑर्डर में प्रेजेंट होना, सो इट मीन्स दैट क्या सुमन सिक्स्थ पे आ पाएगी? सुमन अगर थर्ड पे है, थर्ड फोर और फाइव, थ्री फोर फाइव यही पॉसिबिलिटी आ सकती है, या 3-1 एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, 3-4-6 एक पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। सो इट मीन्स दैट सुमन जो होगी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब सुमन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि सुमन या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब ये वाली जो कंडीशन है दैट गॉट एलिमिनेटेड, ये जो लास्ट वाली जो कंडीशन थी हमारे पास, ये हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। सो वी गेट टू नो दैट कि सुमन के लिए हमारे पास यही पोजीशन पॉसिबल होगी। अगर सुमन यहाँ पे प्रेजेंट है देन इट मीन्स दैट सुमन को कंजेक्टिव ऑर्डर में प्रेजेंट होना था। अब इसमें हाइट कॉलम में क्या सुमन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? अगर हाइट कॉलम में सुमन यहाँ पे प्रेजेंट होती तो वेट में यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, विच विल नॉट बी पॉसिबल। सो दैट मीन्स दैट कि सुमन जो होगी सुमन को यहाँ पे ही प्रेजेंट होना होगा। अगर सुमन यहाँ पे प्रेजेंट है देन इट मीन्स दैट सुमन को यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। अब यहाँ पे रॉबिन के लिए दो प्लेसेस थी, एक तो ये और एक ये। अब ये वाली प्लेस ऑलरेडी फिल हो चुकी है, सो इट मीन्स दैट रॉबिन विल बी प्रेजेंट। हमारा अब तक इतना टेबल फिल हो चुका है, अब इससे आगे कैसे प्रोसीड करना है वो चेक कर लेते हैं। अब वीरेन एंड कमल, सुमन के नीचे वीरेन एंड कमल दोनों पॉसिबिलिटीज थी, तो उसको मैंशन कर देते हैं। सो फोर्थ पॉइंट पे वेट कॉलम में वीरेन एंड कमल दोनों आ सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में भी यहाँ पे दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है वो चेक करते हैं, क्या कोई कंडीशन है और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कमल के लिए एक कंडीशन दी थी हमारे पास कि कमल का जो सम ऑफ रैंक्स होगा दैट विल बी आइदर 4, 9 और 16। तीन पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। अब तीनों के लिए हमें वन बाय वन चेक करना होगा। अगर हमें 16 का फॉर्मेशन करना है, तो 16 का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है? 6, 6 और 4, एक तो इस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी कोई और पॉसिबिलिटी है 16 का फॉर्मेशन करने के लिए? इट विल बी 5, 5 एंड 6। एक तो इस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, एक 6, 6, 4 से होता है। दो ही पॉसिबिलिटीज थी 16 तक पहुंचने के लिए। अब क्या कमल 6, 6, 4 पे प्रेजेंट हो सकता है? अगर कमल 6, 6, 4 पे प्रेजेंट होगा, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे कमल प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे कमल प्रेजेंट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। अब फोर्थ पॉइंट हाइट और एज में दोनों ऑक्यूपाइड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सुमन प्रेजेंट है, यहाँ पे हर्ष प्रेजेंट है, सो इट मीन्स दैट कमल को यहीं पे फोर्थ पे प्रेजेंट होना होगा। यहाँ पे कमल आ जाएगा, यहाँ पे कमल आ जाएगा, यहाँ पे कमल आ जाएगा। अब इसके बाद कैसे चेक करें इस कंडीशन को एलिमिनेट करना है या वेरीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं वो चेक करते हैं। अब सुमन कमल से ऊपर है, सुमन कमल से ऊपर है, सुमन कमल से ऊपर है। सो इट मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ
कि सुमन जो है वो तीनों के तीनों पैरामीटर्स में के से ऊपर है, विच विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मेंशन था देयर इज नो पेयर ऑफ पर्सन आउट ऑफ द सिक्स इन विच वन इज रैंक्ड हायर देन द अदर ऑन ऑल द थ्री पैरामीटर्स. सो इट मीन्स दैट ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो हर पैरामीटर में तो किसी दूसरे पर्सन से ऊपर प्रेजेंट हो. सो दैट इज़ वाई जो कमल वाली हमने पोजीशन चेक करी कि 664 वाली जो पोजीशन है दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ये जो केस होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ 556 के लिए चेक कर लेते हैं, 556 पॉसिबल था क्या? अब यहाँ पे 5 ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे 5 ऑलरेडी फिल्ड है. कमल को दो बार 5 पे प्रेजेंट होना था, कमल को दो बार 5 पे प्रेजेंट होना था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है जो वेकेंट है. सो इट मीन्स दैट ये जो कंडीशन होगी दैट विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल. सो इसका क्या मतलब हुआ, जो 16 वाली वैल्यू है दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर कमल. ये जो वैल्यू थी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, वी आर लेफ्ट विद 4 एंड 9. अब जो हमारा सम है इट कैन आइदर बी 4 और इट कैन बी 9 एज वेल. तो दोनों कंडीशन पॉसिबल थी, इसको फिर से चेक कर लेते हैं. अब 4 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है. 4 विल बी 1, 1 और 2, यही एक पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, 1, 1, 2 हो सकता है. कोई और पॉसिबिलिटी थी क्या? नो, देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी. 1, 1, 2 एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी थी. अब यहाँ पे कमल को 1, 1, 2 में प्रेजेंट होना है. सो इट मीन्स दैट कमल सेकंड पे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, सो इट मीन्स दैट कमल को यहीं पे प्रेजेंट होना होगा. अगर कमल यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट पॉइंट पे, अगर के यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे कमल फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा या तो यहाँ पे कमल सेकंड पे प्रेजेंट होगा. दो पॉसिबिलिटी थी, कमल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है या कमल यहाँ पे प्रेजेंट है. अगर कमल यहाँ, यहाँ और यहाँ प्रेजेंट हो, 1, 1, 2 प्रेजेंट हो, अब कमल जो है वो सुमन से ऊपर है, कमल यहाँ पे भी सुमन से ऊपर है, कमल यहाँ पे भी सुमन से ऊपर है. सिमिलरली अगर यहाँ पे कमल होगा और यहाँ पे कमल होगा फिर भी वो तीनों के तीनों पैरामीटर्स में सुमन से ऊपर होगा. सो इट मीन्स दैट ये जो केस होगा इट विल नॉट बी पॉसिबल. कमल जो है सारे के सारे पैरामीटर्स में सुमन से ऊपर है, वो रॉबिन से भी सारे के सारे पैरामीटर्स में ऊपर है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा. सो जो 4 वाली जो कंडीशन थी हमारे पास दैट विल ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब जो स्टूडेंट्स ने ये वाले केसेस कंसिडर ही नहीं करे हैं 4 और 16 वाले, चांस रहा कि उनका ये क्वेश्चन सही भी हो गया होगा, सिर्फ उन्होंने 9 के लिए चेक किया. बट देयर वॉज नथिंग मैंशनड एज सच कि हमारे जो रैंक्स होंगे सारे के सारे पर्सन के लिए वो अलग अलग होंगे, दैट वॉज नॉट मैंशनड. तो खुद से वो तुम अज्यूम नहीं कर सकते. अगर एग्जाम सेटर ने तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवाना चाहा तो वो डेफिनेटली गलत करवा सकता है क्योंकि तुमने चीज़ें अज्यूम कर ली. जब तक तुम्हारे पास कोई भी डाटा मैंशनड नहीं है तब तक तुम खुद से अज्यूम कुछ भी नहीं कर सकते. ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि जब तक तुम्हारे पास कोई चीज़ मैंशनड नहीं है तुम उसको खुद से अज्यूम नहीं कर सकते. अगर ऐसा तुम करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा. सो बेटर है जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको दिमाग में रख के चला करो. और एक और चीज़, इन तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे बहुत सारी डाटा हमारे पास मेंशन है उनको, मतलब वेरिएबल कंडीशंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें कभी भी हिट एंड ट्रायल करने का ट्राई मत किया करो. क्योंकि क्वेश्चंस अगर चेक करो देन देयर इज़ अ CBD ऑप्शन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी CBD है, थर्ड में भी CBD है. सो वी गेट टू नो दैट कि हमारा जो आंसर है वो CBD भी आ सकता है. सो कभी भी हिट एंड ट्रायल मत करो, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ सम सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच का क्या फ़ायदा होगा, अगर वैसा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम कंडीशंस में आ जाएगा, तुमने सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व किया हुआ है, तो एग्जाम कंडीशंस में तुम उसको प्रोसीड कर पाओगे. लेकिन अगर तुमने हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लिया मॉक्स में, तो बाय चांस ऐसे चांसेस हैं कि तुम्हारा लक सही था तो मॉक्स में तुमने 5 to 6 मिनट्स में वो सेट बना दिया हिट एंड ट्रायल से भी. लेकिन अगर तुमने एग्जाम कंडीशन में तुम्हें फिर से वैसा ही क्वेश्चन आता तो तुम फिर से हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, और अगर तुम्हारा दिन खराब है तो तुम्हारा 30 मिनट्स में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल to find some proper approach for a particular question. Hit and trial से कभी भी जाने का मत try किया करो. Hit and trial भी दो तरह का होता है, एक जो होता है कि वो थोड़ा intelligent way में hit and trial होता है कि अगर 3 possibilities का formation हो रहा है तो मैं systematic order में एक एक करके सारी possibilities को check करूँगा. Randomly मैं कोई भी values check नहीं करूँगा. Randomly करने से तुम्हारा एक भी case miss हो सकता है, तो उसकी वजह से तुम्हारे जो answers होंगे वो भी गलत हो सकते हैं. Now we are left with only one case, 9. तो 9 का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है वो चेक कर लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ फॉर 9? 9 का फॉर्मेशन करने के लिए अगर मैं एक वैल्यू 6 पिक कर लूँ तो मुझे 3 और चाहिए. सो 3 किस तरह से आ सकता है? 2 और 1 से. एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, 6 to 1. दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं एक 5 पिक कर लूँ तो मुझे 4 का फॉर्मेशन करना है. अगर 4 किस तरह से फॉर्म हो सकता है? या तो 2, 2 से फॉर्म हो सकता है, और 5, 3, 1 से भी फॉर्म हो सकता है. दोनों कंडीशंस थी हमारे पास जो पॉसिबल थी, 5, 2, 2 और 5, 3, 1, दोनों पॉसिबल हैं अभी तक. अब अगर मैं एक वैल्यू 4 पिक कर लूँ तो मुझे 5 का और फॉर्मेशन करना है. तो 5 किस तरह से फॉर्म हो सकता है? या तो 3, 2 से पिक हो, या फिर 5, 4 शुरू हो, देन 4, देन 1. इस तरह से भी 9 का फॉर्मेशन हो सकता है. क्या हमारे पास कोई और कंडीशन पॉसिबल होगी 9 तक पहुंचने के लिए? अब अगर हम
थ्री पे मूव करेंगे तो थ्री अगर मूव करेंगे तो मुझे सिक्स बनाना है, तो अगर मुझे सिक्स और बनाना है सो इट मीन डेट सिक्स में किस तरह से बना सकता हूँ, थ्री थ्री से बना सकता हूँ, एक ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। क्या कोई और कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी? थ्री, देन मुझे सिक्स बनाना है, फोर टू, टू फोर थ्री, टू थ्री फोर, ये हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो कोई और कंडीशन ऐसी नहीं होगी जो हम यूज़ कर पाएँ। हमने जो कंडीशन थी वो यूज़ कर ली है, दैट इज़ थ्री थ्री थ्री, सिक्स टू वन, फाइव टू टू, फाइव थ्री वन, फोर थ्री टू, फोर फोर वन, हमें सारी के सारी कंडीशन के लिए चेक करना होगा। अब यहाँ पे कमल के लिए बोल रहा है कि वो थ्री 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 पे प्रेजेंट हो, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे सुमन प्रेजेंट है, यहाँ पे रॉबिन, यहाँ पे काश, सो इट मीन दैट ये वाला जो केस है ये तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो गया। अब फोर फोर वन के लिए चेक करते हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? दो पोजीशन हमें चाहिए थी फोर के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी सुमन है, यहाँ पे ऑलरेडी हर्ष है, सो कमल के लिए दो पोजीशन वेकेंट नहीं है फोर्थ रैंक के लिए, सो इट मीन दैट ये भी एलिमिनेट हो गया। अब फाइव टू टू के लिए चेक करें, दो पोजीशन पे वो कमल को फाइव पे प्रेजेंट होना होगा, सॉरी दो पोजीशंस पे कमल को टू पे प्रेजेंट होना होगा, सो इट मीन्स दैट, और एक पे फाइव पे आना होगा। अब यहाँ पे टू भी वेकेंट नहीं है, यहाँ पे फाइव भी वेकेंट नहीं है, सो इट मीन दैट कमल जो होगा एज कॉलम में उसके पास कोई भी जगह नहीं बचती है, सो इट मीन्स दैट फाइव टू टू जो है हमारे पास वो भी इलिमिनेट हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब फोर थ्री टू के लिए चेक करते हैं, क्या फोर थ्री टू पॉसिबल है? अब थ्री वाली जो कंडीशन थी हमारे पास, थ्री पे एक भी जो ब्लॉक है हमारे पास एम्प्टी नहीं है, सो इट मीन दैट फोर थ्री टू वाली जो कंडीशन है वो भी स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएगी, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली फाइव थ्री वन, यहाँ पे कमल थ्री पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थ्री पे कोई भी पोजीशन जो थी हमारे पास वेकेंट नहीं थी, सो इट मीन दैट दिस विल ऑल्सो भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है कमल के लिए, दैट इज सिक्स टू वन। अब इससे आगे किस तरह से प्रोसीड करें? अब यहाँ पे वीरेन और कमल प्रेजेंट होने चाहिए थे, यहाँ पे वीरेन और कमल प्रेजेंट होने चाहिए थे। क्या कमल फोर्थ रैंक पे प्रेजेंट हो सकता है? क्या कमल इस पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता है? नो, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज कमल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज़ वन टू एंड सिक्स। तो फोर के लिए उसके पास कोई भी पोजीशन प्रेजेंट नहीं थी, सो इट मीन्स दैट कमल जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, कमल को यहीं पे प्रेजेंट होना होगा। अगर कमल यहाँ पे प्रेजेंट है देन वीरेन विल बी प्रेजेंट हियर। अब सिक्स वाली कंडीशन हमने कर दी फिल, वी आर लेफ्ट विद टू एंड वन। क्या कमल यहाँ पे टू पे प्रेजेंट हो सकता है? नो, यहाँ पे कमल टू पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, सो इट मीन्स दैट कमल जो होगा वो यहीं पे टू पे प्रेजेंट होगा। और फर्स्ट के लिए, यहाँ पे जो कमल के लिए होगी वो फर्स्ट पोजीशन वेकेंट होगी, सो कमल जो होगा यहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। अब कमल जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कमल, रॉबिन, आकाश, हर्ष, सुमन, यहाँ पे एक ही जगह बचती है, दैट विल बी फॉर वीरेन। तो ये जो पोजीशन होगी वो वीरेन के लिए होगी। अब इसके आगे किस तरह से मूव करें? अब सेकेंड हाइट वाले कॉलम में वीरेन जो है वो फिल्ड नहीं है। अब वीरेन जो है वो सुमन से नीचे है फर्स्ट वेट वाले पैरामीटर में, एज वाले पैरामीटर में वीरेन जो है वो सुमन से नीचे, सो इट मीन्स दैट हाइट वाले पैरामीटर में वो सुमन से ऊपर होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि वो सुमन से ऊपर होना ही चाहिए एक पैरामीटर में, सो इट मीन्स दैट वीरेन शुड बी प्रेजेंट हियर। वीरेन जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो सुमन से नीचे पॉसिबल नहीं है। अब आकाश जो था वो लास्ट में नहीं प्रेजेंट हो सकता, सो इट मीन्स दैट आकाश जो होगा आकाश यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड दिस पोजीशन इज लेफ्ट फॉर, एक ही पोजीशन बची एंड वन पर्सन इज लेफ्ट, एंड दैट पोजीशन विल बी फॉर हर्ष। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। हाइट के लिए हमारे पास सारा फिल हो चुका है, एज के लिए हमारा सारा फिल हो चुका है। अब इसके आगे किस तरह से प्रोसीड करें? वेट में हमारे पास कौन कौन से पर्सन बचे हैं? आकाश एंड हर्ष, आकाश एंड हर्ष बचे हैं, तो इनके लिए चेक कर लेते हैं। हाइट कॉलम में आकाश हर्ष से ऊपर है, एज कॉलम में आकाश हर्ष से ऊपर है, सो इट मीन्स दैट जो तीसरा पैरामीटर है उसमें जो हर्ष होगा वो आकाश से ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, सो इट मीन्स दैट हर्ष जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और आकाश जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने सिस्टमेटिक वे में प्रोसीड किया और हमारा पूरा का पूरा जो टेबल था वो फॉर्मेशन हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही पॉइंट, हमेशा पजल्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाने का ट्राई किया करो, स्पेसिफिक कंडीशन फाइंड आउट करो, देन उसके आगे प्रोसीड करने का ट्राई करो, वही बेस्ट अप्रोच है सारे पजल्स को सॉल्व करने का। ओके, अब तुमने टेबल का फॉर्मेशन कर लिया, अब तुम्हें लग रहा है भैया मैं तो आंसर दे पाऊंगा सारे के सारे, बट ऐसा केस नहीं है। जिसने एग्ज़ाम बनाया है, जिसने ये पज़ल बनाया है, उसने पज़ल को बहुत ही अच्छे वे में सेट किया, बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी का पज़ल का फॉर्मेशन किया है। उसने सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी फॉर्म की। अब कंडीशंस फॉर्म करने के बाद उसने हमसे टेबल का फॉर्मेशन करवाया और उसके बाद उसने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के फॉर्म किए। अब क्वेश्चंस क्या थे उनको चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने टेबल फॉर्म कर लिया तो तुम एक मिनट में सारे के सारे आंसर दे दोगे, तुम्हें उनमें भी थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन वन, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक्ड लोअर देन आकाश ऑन वेट? आकाश से लोअर कौन कौन से पर्सन है? सुमन, वीरेन, रॉबिन एंड कमल, चार पर्सन है हमारे पास, बट आर यंगर देन हिम।
उससे यंग भी हैं, आकाश यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट मीन दैट हर्ष, सुमन एंड विरेन. अब वो बोल रहा है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो उससे यंग भी हैं और उससे एज में भी कम है. अब यहाँ पे सुमन प्रेजेंट है, यहाँ पे विरेन, यहाँ पे रॉबिन, यहाँ पे कमल. अब यहाँ पे सुमन प्रेजेंट है, सुमन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे विरेन प्रेजेंट नहीं है, सॉरी विरेन प्रेजेंट है, विरेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, रॉबिन जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, कमल जो है वो ऊपर प्रेजेंट. सो इट मीन्स दैट आर आंसर शुड बी टू ओनली. हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी टू. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ हर्ष ऑन द थ्री पैरामीटर्स. हर्ष का यहाँ पे रैंक है 1, यहाँ पे रैंक है हमारे पास 6, और यहाँ पे हमारे पास रैंक जो है दैट इज 4. सो आर आंसर विल बी 6 + 4 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 11. सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 11. नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट इज द सम ऑफ वेट वाइज रैंक्स ऑफ टू बॉयज फॉर हुम रॉबिन इज द ओनली बॉय रैंक बिटवीन देम ऑन द पैरामीटर ऑफ हाइट. अब ये लैंग्वेज देखो कितना अच्छा बनाया उसने, तुम्हें फिर से रीड आउट करना पड़ेगा, पहली बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहा है. व्हाट इज द सम ऑफ वेट वाइज रैंक्स ऑफ टू बॉयज फॉर हुम रॉबिन इज द ओनली बॉय रैंक बिटवीन देम ऑन द पैरामीटर ऑफ हाइट. सो इट मीन दैट रॉबिन यहाँ पे प्रेजेंट, सो इट मीन्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट कमल एंड सुमन. अब कमल एंड सुमन के लिए वो बात कर रहा है एंड ही इज सेइंग व्हाट इज द सम ऑफ वेट वाइज रैंक्स ऑफ टू बॉयज. सो टू बॉयज ने कमल एंड सुमन उनके बारे में वो पूछ रहा है कि उनका वेट वाइज रैंक्स में सम कितना होगा. अब कमल जो है यहाँ पे 6 पे प्रेजेंट है और सुमन जो है यहाँ पे 3 पे प्रेजेंट है. सो इट मीन्स दैट आर आंसर विल बी 9 ओनली. सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 9. आई होप कि जो पूरा का पूरा पजल था, किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए था, वो सारी की सारी फंक्शनिंग आपको क्लियर हुई होगी. कोई भी अगर आपको डाउट हो देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, इस पर्टिकुलर सेट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. और प्लीज़ शेयर आर यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करो ये चैनल सो दैट उनका भी बेनिफिट हो पाए. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पजल. काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. So that's all from my side for this particular set. If you want to discuss with me anything about your LRDI preparations, then you can reach to me on Facebook as well. I'll be providing you the link of my Facebook ID in the description below. Aap mujhse contact kar sakte ho straight away. Or if you want me to make videos on your particular sets, then you may mail us the same sets as well. Aap hume mail kar sakte ho. Main mail ID jo hai hamari wo niche description mein present karwa dunga. So that's all from my side. Thanks and happy learning.